एक्सरसाइज 10A, फर्स्ट सम बच्चे, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, सीक्वेंस और सीरीज, दैट इज द सेम थिंग, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। सबसे पहले बच्चे D1, क्योंकि चेक करना है ना हमने कि ये एपी में है कि नहीं है। D1 किसके इक्वल होगा गरिमा? सर A2 minus A1, A2 की वैल्यू 6, माइनस A1 की वैल्यू 2, 6 माइनस 2 4। ऐसे बच्चे क्योंकि चेक करना है ना, तो जितनी टर्म्स हैं हमारे पास वहां तक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है। हेलो, थैंक यू। अक्सर की वीडियो डालेंगे ना? हाँ जी हाँ जी। डी टू बच्चे, डी टू क्योंकि यहां पे चेक करना है हमने, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री बच्चे 10, ए टू 6, 4 आ गया। मान लो सपोज यहाँ पे इक्वल ना आता, यहाँ 4 आ जाता, यहाँ 3 आ जाता, हम क्या लिख देते, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर नो इट इज नॉट इन एपी। बट अभी एक टर्म और पड़ी है तो उसको डी थ्री बच्चे, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर बच्चे 14, ए थ्री 10, 4 आ गया ना। आगे तो कोई टर्म नहीं दी, एंड सो ऑन लिखा है, डॉट 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 का मतलब एंड सो ऑन है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यस अबव सीरीज इज इन एपी, या अबव सीक्वेंस या अबव सीरीज, दैट इज द सेम थिंग। समझ में आई बच्चे बात? यस सर। अभी जैसे इसका बच्चे थर्ड पार्ट है, 5, 9, हम प्रॉपर रीजन दे रहे हैं उसको कि कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज इन एपी, 9, 5, 9, 12, 18 एंड सो ऑन। यहां पे बच्चे डी वन, ए टू माइनस ए वन, 9 minus 5, 4, डी टू, ए थ्री माइनस ए टू बच्चे, ए थ्री इज 12, ए टू इज 9, 3 आ गया। yes, sir. पहले दोनों इक्वल नहीं आए ना, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर नो अबव सीरीज इज इन नॉट इन एपी, अबव सीरीज इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं है, बस ऐसे लिखना है बच्चे। समझ में आ गई बात? यस सर। किसी को ना समझ आया हो फर्स्ट क्वेश्चन? सर हाँ जी सर, इन द फोर्थ बिट वी हैव टू टेक एलसीएम एंड डू, या बच्चे कर देता हूँ बच्चे, मैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर देता हूँ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन ना। डी वन, ए टू माइनस ए वन, 1/3 minus 1/2 मैंने सीधा लिख दिया बच्चे, 1/6, 6 इज एलसीएम। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, एक मिनट, -1/6, फर्स्ट टर्म क्या आएगी 2 और सेकंड टर्म 3, 3 को किससे करें, 2 into 1 2 को किससे, 3 3 1 3, 2 minus 3 बच्चे -1/6, डी टू बचे प्रियांशी बंसल, क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे डी टू, सर ए फोर माइनस वो 1/4 minus 1/3, एलसीएम इज 12, फर्स्ट टर्म 3 minus 4 minus 1/12 ना, -1/12, सेम है दोनों टर्म्स, इक्वल है? नो सर,
तीसरी टर्म तीसरा डी थ्री फाइंड करने की जरूरत नहीं है सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर नो अबव सीरीज इज नॉट इन एपी कोई चैप्टर हम नया स्टार्ट करते हैं ना वहां हमें एक बार दिक्कत आती है कि ये क्या आ गया नई चीज है बिल्कुल ये दैट्स द रीजन सेकंड सम बहुत इजी है सेकंड सम एंथ टर्म का मतलब ए एन एंथ टर्म का मतलब ए एन ऑफ ए सीक्वेंस इज 2n माइनस 3 सीक्वेंस मतलब सीरीज एक सीरीज की nth टर्म 2n माइनस 3 है बच्चे फाइंड इट्स 15th टर्म 15th टर्म मतलब a 15 फाइंड करना है अब यहां देखो nth टर्म n की फॉर्म में है ना जहां n है वहां 15 फिल कर दो तो राइट साइड में भी 15 2n का मतलब 2 इंटू 15 माइनस 3 बच्चे 2 15 जा 30 माइनस 3 27 आंसर आ गया बच्चे हो गया तो इन दिस व्हाट इज एन टोटल नंबर टोटल एन nth टर्म बच्चे दैट इज अ जनरल टर्म एन के प्लेस पे 5 फिल कर देंगे तो 5th टर्म आ जाएगी ए 7 7 फिल कर देंगे तो 7th टर्म आ जाएगी अब उन्होंने बोला था 15th टर्म फाइंड करने के लिए 15th टर्म तो मतलब एन के प्लेस पे 15 फिल कर दो लेफ्ट में भी और राइट में भी पाव में उसके p लिख देंगे इफ द p टर्म ऑफ एन एपी इज 2p प्लस 3 फाइंड द ap जब भी बच्चे वो फाइंड करने के लिए बोल दें ऐसे लिख दें कि फाइंड ap तो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर दो n nf वी हैव टू फाइंड a1 a2 एंड a3 3 टर्म्स फाइंड कर दो आगे डॉट 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 लगा देंगे वो ap बन जाएगी pth term मतलब nth term या p term that is the same thing p लिख दिया p की term में है तो p के place पे बच्चे सबसे पहले 1 fill करेंगे तो हमारे पास a1 आ जाएगा ना what is a1 गरिमा sir ये term है first term yes sir p के place पे 1 आ गया बच्चे जहां p है वहां 1 fill कर दो sir 2 plus 2 that is 5 understood yes sir abhi chalo a 2 fill karo bacche yahan pe p ke place pe 2 fill kar do 2 into 2 plus 3 what we get 4 plus 3 bacche that is 7 3 fill karo bacche yahan pe 2 into 3 plus 3 We get 6 plus 3. That is 9. Enough hai. 3 terms find kar di na. Therefore, first term 5, fir 7, fir 9, and so on, is the required AP. Is the required AP. Aise answer likh dena bache last mein. Fir se dekho, is sum mein kya kiya? Hame pth term given thi. P waise hi likh diya unhone pth term. nth टर्म लिखी होती तो ए एन की फॉर्म में होता जैसे यहां पे था ऊपर वाले सामने पी टर्म गिवन है 2p प्लस 3 जहां p है बच्चे वहां 1 फिल कर दो क्योंकि उन्होंने फाइंड द एपी बोला है जब भी वो एपी फाइंड करने के लिए बोलेंगे हम फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे अंडरस्टूड समझ में आई बात बच्चे हाँ सर यस जहां पे p है वहां 1 फिल कर दिया फिर यहाँ पे 2 फिल कर दिया फिर यहाँ पे 3 फिल कर दिया समझे पी के प्लेस पे 1 लेके एंड सो लिख सकते हैं या 4 लेने होंगे बच्चे मैंने 3 टर्म्स ही लिखी है ना फोर्थ कहाँ लिखी है
एंड सो ऑन इज अ रिक्वायर्ड एपी. ओके सर. फोर करनी है फोर कर दो, फाइव करनी है फाइव कर दो, जितना मर्जी टाइम वेस्ट कर लो, बट मिनिमम थ्री फाइंड करनी है. थ्री आर कंपल्सरी. ओके अंडरस्टूड? यस सर. नाउ फोर्थ सम. अभी हम प्रियांशी बांसल. yes, तुम्हारा नाम प्रियांशी प्रियांशी है कि हिमांशी है? सर प्रियांशी. प्रियांशी ओके. व्हाट इज ए हियर? यस प्रियांशी आपने आंसर देना है सारे क्वेश्चन का. ए ए इज द फर्स्ट टर्म. कितनी है फर्स्ट टर्म? 12. डी कॉमन डिफरेंस सर ए टू माइनस ए वन माइनस टू. वेरी गुड शाबाश. वेरी गुड बच्चे डी की वैल्यू माइनस टू आ गई. अब उन्होंने कौन सी टर्म फाइंड करने के लिए बोला है? 24. हां जी प्रियांशी ए 24 किसके इक्वल? फॉर्मूला करवाया था ना? यस सर. एक मिनट प्रियांशी बोलेगी बच्चे. सो फॉर्मूला गरिमा सर ए ए प्लस एन माइनस वन इन ब्रैकेट. मैंने क्या बोला था? हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधा वैल्यू लिखेंगे बच्चे. सर मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे? नहीं होंगे. ओके सर. बच्चे मैंने इतना कुछ क्यों करवाया था यहाँ पे? ये क्यों लिखवाया था ये बताओ. ये देखो ये फॉर्मूला है. मैंने सीधा बोला था ना ए टेन क्या आएगा? ये आएगा. ए फिफ्टीन जब भी आएगा ये लिखेंगे. ए ट्वेंटी जब भी आएगा ये लिखेंगे. ए 93 आ गया ये लिखेंगे. उसमें भी फिल कर सकते हैं बट उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना हमने? मेन मोटिव हमारा देखो एग्जाम सबको आता होगा. जिसने टाइम बचा लिया, जिसका पेपर कंप्लीट हो गया, उसके मार्क्स हाईएस्ट आ जाएंगे. yes. समझे? ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 12 प्लस 23 एंड डी की वैल्यू माइनस टू. व्हाट वी गेट? 12 माइनस 46 4 3 माइनस 34 इज द आंसर. अंडरस्टूड? ये फोर्थ सम है बच्चे. सॉरी. नाउ द फिफ्थ सम. हाफ वन थ्री अपॉन टू एंड सो ऑन. अभी कौन करवाएगा? सदफ करवाओगे बच्चे मुझे? Yes, सदफ. व्हाट इज ए? यस सर. ए की वैल्यू वन माइनस वन बाई टू. डी सर डी इज वन माइनस वन बाई टू. ए टू माइनस ए वन है ना? एलसीएम लेंगे ना इसका? सर टू माइनस वन बाई टू. हाफ आ गई. डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? हाफ आ गई हमारे पास. यस सर. नाउ टर्म वी हैव टू फाइंड 30th टर्म. तो ए 30 बच्चे ए 30 इज इक्वल्स टू हाफ प्लस फॉर्मूला थर्ड हाफ ए प्लस ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी सीधा 29d प्लस 29d. सो देन वी शुडंट इवन राइट ए आल्सो राइट? या बच्चे ऐसे लिखना है लिख दो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है यस. अब ए की वैल्यू बच्चे हाफ फिर 29 एंड डी इज आल्सो हाफ. यस सदफ क्या आएगा यहाँ पे? सदफ यस सर. कहाँ चली जाती है? नो सर. चल बताओ. हाफ प्लस 29 इनटू हाफ दैट इज 29 बाय 2. ओके ये आएगा क्या? 30 बाय 2. 2 एलसीएम सेम 1 प्लस 29
we get 30 upon 2 cut karke bete beta 15 aa gaya to 30th term aa gayi hamare paas 15 that is answer yes sir abhi next sum arshia bach rahi hai about time se yes sir root 3 and so on what is a here the root 3 d said 2 root 3 minus root 3 minus karke kitna aayega in dono ko सर रूट थ्री यस तो डी की वैल्यू बच्चे रूट थ्री आ गई ना ये माइनस करना तो आता है सबको यस सर श्योर यस सर आधे बच्चे छोड़ के चले गए है ना कोई बात नहीं अब कौन सी टर्म फाइंड करनी है अर्शिया हंड्रेड टर्म्स ए हंड्रेड किसके इक्वल सर रूट टू प्लस फॉर्मूला ए प्लस 90 अब वैल्यू फिल करो बच्चे पहले ये ऐसे लिखा करो ए इज रूट थ्री प्लस 99 रूट थ्री यश अर्शिया ऐड करके कितना बन गया बच्चे यस सर 100 रूट थ्री दैट इज 100 टर्म आ गया आंसर Garima, now is it your turn? Yes. One upon n, n plus one upon n, 2n plus one upon n, and so on. हाँ जी बच्चे Garima. Sir, a equals to one by n. D will be a two minus a one. Yes, a two minus a one minus one by n now. Yes, sir. Then n LCM. हाँ जी. Sir, n plus sir one is answer. N upon n आ जाएगा. Cut हो गया. Yes. तो d की value कितनी आ गई? One आ गई. Yes, sir. अब क्या बोला उन्होंने? A 50 बोला है find करने के लिए. सर ए फिफ्टी इक्वल्स टू ए ए ए प्लस एन माइनस वन सर फॉर सर पहले फॉर्मूला तो आपने कहा था लिखना है लिखो चाहे ना लिखो मैं ये बोल रहा हूँ ये जरूर लिखना है ए प्लस 49 डी तो ठीक है ओके सर वन अपॉन एन प्लस 49 इनटू डी इज वन यस तो एलसीएम ले इसके नीचे वन है एन एलसीएम वन प्लस 49 एन दिस इज आंसर आई समच यस कोई डाउट इसमें नो सर नो वन नो सर अब बच्चे कुछ थोड़ा सा नई चीज सिखानी है जैसे यही सम था फिफ्थ सम था हाफ वन थ्री बाय टू एंड सो ऑन फर्स्ट टर्म वन बाय टू सर फिफ्थ वाला हो गया है ना एक मिनट बच्चे मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं प्लीज कुछ चीज सिखा रहा हूं मैं सुन लिया करो बात पहले हाफ दिस इज द फर्स्ट टर्म वन दिस इज द सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन ना जब टर्म फर्स्ट है फर्स्ट टर्म की वैल्यू को ए वन से डिनोट करते हैं या ए से करते हैं ए और ए वन इज द सेम थिंग दैट इज हाफ ना That is half. Yes, मतलब यहां पे फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू कितनी है one by two.
एन की वैल्यू पूछी है बच्चे मैंने, ध्यान से सुनते नहीं हो, एन की वैल्यू बोल रहा हूँ बच्चे मैं, वन 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 से। अब यहाँ पे सेकंड टर्म इज वन, ए टू की वैल्यू वन है, एन कितना है टू, यहाँ पे थ्री बाय टू है, मतलब थर्ड टर्म इज थ्री बाय टू, एन की वैल्यू कितनी है थ्री थ्री। कभी बच्चे एन की वैल्यू है जो वो नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल या रूट में आ सकती है? नो सर। एन बोल रहा हूं मैं, ए एन नहीं बोल रहा, ये ध्यान से सुन लो मेरी बात, आई हैव सेड एन सर। नो सर। समझाता हूँ, समझाता हूँ अभी, जस्ट वेट। ए वन के टाइम, ए वन क्या है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, वन क्या है फर्स्ट टर्म, मतलब एन की वैल्यू वन। अब सेकंड टर्म वन, मतलब ए टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म, बट एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे टू टू। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू को ए थ्री से नोट करते हैं, बट एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे थ्री। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, एन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगी, जो एन है दैट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब वन से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। अब सिंपल सी बात, एक क्लास में बच्चे हैं, वन रोल नंबर टू रोल नंबर थ्री रोल नंबर फोर रोल नंबर एंड सो ऑन होंगे ना। यस सर। अब मान लो फर्स्ट रोल नंबर के मार्क्स आए हैं, वो आगे 50 में से 43, सेकंड रोल नंबर के आगे 43 एंड हाफ आगे, इसका मतलब उसका जो वैल्यू है सेकंड रोल नंबर के मार्क्स 43 एंड हाफ हैं, बट रोल नंबर तो उसका सेकंड ही रहेगा। यस सर। कभी ये सुना है तुम्हारी क्लास में 35.3 रोल नंबर है? नो सर। हाँ, मार्क्स उसके हो सकते हैं 35.3, समझे सर? आ गया समझ में। नंबर ऑफ टर्म्स, अभी मान लो गरिमा मार्केट चली गई, वहां पे इसने कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो वहां पे जाके ये बोलेगी रूट थ्री कोल्ड ड्रिंक दे दो मुझे, ना सर, या तो बोलेगी वन कोल्ड ड्रिंक दे दो, या टू कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, या थ्री कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, पूरी फैमिली ने पीनी है तो 2 लीटर वाली बोतल ले लेगी ये, पर पूरी बोतल मान लो इसने 2 लीटर वाली लेनी है, तो वो 2 लीटर में से कुछ निकाल के देगा नहीं ना, वो पूरी देगा ना? पूरी देगा। अभी कभी बच्चे तुमने एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएंगे, कभी ये सुना है कि एक एप्पल छोटा था तो नहीं जी ये तो 3 1/2 एप्पल्स हैं, बोलो सुना है? नो सर। तुम्हारे घर में मेंबर्स कितने हैं, कभी ये सुना है 3 1/2 हैं जी, या 3.5 हैं जी, या रूट वन है जी, काउंटेबल है वो सारे के सारे चीज? यस सर। हमारी क्लास में चेयर्स पड़ी हैं, चेयर्स थी तुम्हारी क्लास में, बट उसमें एक चेयर टूटी हुई है, हाफ है वो, उसका एक लेग नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि 43 1/2 चेयर्स हैं जी, उसको भी वन ही काउंट करेंगे ना जो टूटी हुई है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे? Yes. तो जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या होगी, n की वैल्यू ऑलवेज नेचुरल नंबर। हाँ, वैल्यू ऑफ टर्म मे बी एनीथिंग, मे बी एनी रियल नंबर, वैल्यू ऑफ टर्म एनी रियल नंबर, मतलब ए एन है जो, वो कुछ भी हो सकता है। एन क्या होगा, जो एन की वैल्यू होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी, और जो ए एन है वो क्या होगा, एनी रियल नंबर होगा। समझ में आई बात मेरी सर? एन वाली नहीं समझ में आई। जो वैल्यू है टर्म की, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, वो एनी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर मतलब चाहे रूट में हो चाहे डेसिमल में हो, ठीक है?
जो बट एन है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म्स, फाइव टर्म्स, कभी ऐसे बोलोगे सेवन एंड हाफ टर्म्स हैं एपी में? नहीं ना, वैल्यू हो सकती है सेवन एंड हाफ, बट नंबर ऑफ टर्म्स कभी नहीं हो सकती। चलो एक सिंपल सी एग्जांपल, यहां पे मैंने कितनी टर्म्स लिखी है सदफ? सो फाइव। देखो फाइव बोला है, फाइव पॉइंट वैल्यूज क्या है, डेसिमल में है। यहां पे मैंने अब अंडरलाइन किया है यहां तक। अर्शिया कितनी टर्म्स हैं? थ्री। थ्री, देखो एन की थ्री आ रही है टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है थ्री, वैल्यू थर्ड टर्म की 3.9 है, सेकंड टर्म की 3.7 है, फर्स्ट टर्म की 3.5 है। वैल्यू है जो, दैट इज डिनोटेड बाय ए एन, ए वन की वैल्यू 3.5 है, ए टू की वैल्यू 3.7, ए थ्री की वैल्यू 3.9, बट जो वन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, टू क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, थ्री क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। आई समझ? जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे हमारा, उसमें क्या है, इज 402 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दी हुई है 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी है प्रियांशी? 8। डी की वैल्यू? 13 - 8 That is 5. अब वीडियो क्लियर है, चल रही है बच्चे? Yes sir. Okay. अब यहां पे 402 को चेक करना है, इसकी टर्म है कि नहीं है। Let nth term of above AP या above series is 402. Nth term का मतलब AN को 402 ले लिया, let कर लिया मैंने। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, 402। ए के प्लेस पे ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन, डी के प्लेस पे बच्चे डी की वैल्यू इज 402। यस और नो? यहां से एन की वैल्यू फाइंड करो, एन माइनस वन इंटू 5 402 minus 8, n minus 1 into 5, 8 minus करो बच्चे, 12 में से 8 गए 4, 394, 9, n minus 1, 5 बच्चे multiply था, इस साइड मतलब linear equation solve करनी आती है ना, नहीं कट हो रहे, n की value 394 upon 5, जो minus 1 है इस साइड आके plus 1 हो जाएगा, LCM is 5, what we get 394 plus 5, एन की वैल्यू क्या आ गई 399 अपॉन 5 आ गई। मैंने कुछ अभी समझाया था कि एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, बट एन नेचुरल नंबर है यहाँ पे सेंस एन, नो सर, यहाँ पे इसके बाद ये लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं थी मेरे पास, सेंस एन कांट बी इन फ्रैक्शन, ये लाइन लिख के देयरफॉर नो 402 is not the term of above AP, not the term. 402 is not the term of above AP. Of above AP की term नहीं है बच्चे वो, समझे? Yes sir. मैंने ये इतना time इस पे क्यों waste किया था N और AN पे? इसीलिए किया था कि एन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगी, नेचुरल नंबर नहीं रही तो दैट इज नॉट अ टर्म। अब 402 को मैंने एक टर्म ले लिया, ए एन, ए एन के जगह प्लेस पे उसका फॉर्मूला लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की और डी की वैल्यू फिल कर दी बच्चे। हाँ जी बेटा, सर इसमें 402 नंबर ऑफ टर्म नहीं है बच्चे, इज 402 अ टर्म, टर्म का मतलब उसकी वैल्यू, not the number of terms. Okay, sir. ठीक है? सर तो सर टर्म की वैल्यू तो रियल हो सकती है ना?
हाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है रूट में. यहाँ पे ये देखो an लिखा है ना मैंने, ये चीज यहाँ पे जो आंसर आया है 399/5 सर ये भी हो सकता है. ये हाँ an हो सकता है, n नहीं हो सकता. हमारे पास n की वैल्यू आई है ना बच्ची ये. यस ओके सर. n नहीं हो सकता, n कांट बी इन फ्रैक्शन. नेक्स्ट सम, नाइंथ सम, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 7 3 अपॉन 4, 9 1 अपॉन 2, 11 1 बाय 4 एंड सो ऑन. सबसे पहले बच्चे मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करो. यस अंजलि, क्या आएगा बच्चे फर्स्ट को ओपन करके मिक्स फ्रैक्शन को? 4 × 7 + 3 = 7 4 = 28 + 3 = 31/4. माही सेकंड टर्म क्या आएगी बच्चे? सर 19/4. टू यस. थर्ड टर्म प्रियांशी सर 45/4. यस. अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है श्रुजल? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 19. कॉमन डिफरेंस दैट इज डी. बोलो बच्चे फटाफट. हर्ष डिफरेंस a2 - a1. सर 19/2 - 31/4. व्हाट इज द एलसीएम हियर सर? 4. फर्स्ट टर्म शौर्या, शौर्या फर्स्ट टर्म 19 × 2 = 38. सीधा 38 बोलो यार. यस सर. सर -31. 31 कितना आ गया? 7/4 आ गया. यस सर. पहला आंसर हमारा आ गया, कॉमन डिफरेंस बोला था उन्होंने फाइंड करने के लिए. एंड 99th टर्म. यस प्रियांशी A 99 बच्चे. सर A plus 31/4 + 1. पहले A plus 98D लिखेंगे बच्चे, उसके बाद करेंगे ठीक है. प्रियांशी ये गलती मत करना बच्चे, कभी सीधा वैल्यू फिल करते हैं ना तो कुछ ना कुछ मिसप्लेस हो जाता है. अब ए, ए की वैल्यू 31/4 थी बच्चे हमारे पास फर्स्ट टर्म. यस 98. डी की वैल्यू बच्चे हमने फाइंड कर ली है ऑलरेडी 7/4. 31/4 वैसे 2 के टेबल पे कट हो रहा है, बट मैं कट नहीं करूंगा क्योंकि नीचे 4 ऑलरेडी एलसीएम आ जाएगा ना. 7 × 8 = 56, 5 × 7 = 63 + 5 68 अपॉन 4. यस 4 इज एलसीएम. प्रियांशी क्या आएगा यहाँ पे? सर 707. सर 717. बच्चे मैं यहाँ पे पूछ रहा था अभी, तुम सीधा आंसर भी आ जाते हो. सर कैलकुलेशन गलत है. अब तो सही है. यस सर हो जाता है. 707 किसने लिखवाया था मुझे? सर पता नहीं. सर आई हैव कैंशी बाय मिस्टेक. ओके 10th सम बच्चे के 9 तक बहुत है आज. सर 9 तक बहुत है. यस टाइम काफी हो गया ना तो इसको बच्चे होमवर्क को कंप्लीट. गरिमा कर रही है कि नहीं कर रही पहले गरिमा? यस सर. हर रोज काम जो मिलता है वो कंप्लीट होता है कि नहीं होता? यस सर. झूठ नहीं बोलना, मुझे पता चल जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है. यस सर हो जाता है. करते हो ना? 100% श्योर है? यस नहीं किया तो मुझे बता दिया कर. सर मैंने ज्यादा भी कर लिया है. क्या कर लिया है? सर 9th बी भी कर चुकी हूँ मैं. अच्छा 9th बी
सी भी स्टार्ट कर दिया है। नाइन्थ बी, अच्छा आज आज वीडियो नहीं डलेगी नाइन्थ बी की, एक्चुअली लैपटॉप बंद हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्योंकि इजी था ये, बहुत इजी था। चलो तो जैसे सर अभी सर हमें ये चैप्टर नहीं एग्जाम में, तो सर अभी हमारे सितंबर एग्जाम में, तो सर आप फिर से कराओगे? बच्चे हमारे पास कितना टाइम है, पूरा साल है ना? यस सर, मैंने पहले भी तेरे को शौर्या बहुत बार बताया है कि हमने सिर्फ एक ये सेलिना बुक नहीं करनी, हमने 3-4 बुक्स करनी है। ओके सर, समझे? यस सर, ये नहीं है कि हाँ तुम सेलिना कर रहे हो, क्वेश्चन कहीं और से आ गया फिर क्या करोगे? यस सर, या तो तुम्हें मेथड इतना क्लियर हो, कई बार कुछ सम ऐसे होते हैं बच्चे जो हमें आते तो होते हैं बट हमने जब तक किए नहीं होते ना तब तक हम निकलते नहीं है वो। यस सर, एक बार हाथ से निकलना जरूरी है वो सब। ओके सर। ओके बच्चे। यस सर। प्रियांशी समझ आया कुछ आज? यस सर, थोड़ा सा ना, एक तो मतलब कोशिश करो कि वाईफाई लग जाए घर पे, 500-600 का खर्चा है क्योंकि अभी नवंबर तक दिसंबर तक तो खुलेंगे नहीं स्कूल जैसे चल रहा है कोरोना का, कोविड का। एक्चुअली वो नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं था, जब भी कोई बच्चा बोल रहा था ना, रिप्लाई कर रहा था तो उसकी फोटो आ जा रही थी, तो मेरे ब्रदर ने उसके बाद आपकी वीडियो पिन कर दी, उसके बाद इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अदरवाइज इसका नेट का है थोड़ा सा इशू, मेरे पास तो है इसलिए मुझे मतलब जियो का लगवाया हुआ है मैंने, फाइबर, जियो फाइबर, तो नहीं आती प्रॉब्लम मुझे। मेरे यहाँ भी लगा। ओके सर। हाँ चलो ठीक है बच्चे, कल फिर मॉर्निंग में मैं व्हाट्सएप पे लिख दूंगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट।